ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी को बाबा ने एक महान कार्य दिया है, बाप को प्रत्यक्ष करना। हर दिल पर बाप के प्यार का झंडा लहराना, हरेक को बाबा से जोड़ देना, ताकि हरेक आत्मा दिल से कह उठे, वो मेरा है, बाबा मेरा है। इसके लिए हमारी बहुत अच्छी योग युक्त स्थिति, संपूर्ण पवित्र स्थिति और सर्व गुणों से भरपूर अवस्था चाहिए। इन सब में बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारी एकाग्रता की। एकाग्रचित होना ये परम आवश्यक है, परंतु कईयों ने अपने मन को बहुत ही भटका दिया है। सारा दिन न जाने क्या देखते हैं, किसका चिंतन करते हैं, किसकी कंप्लेंट करते हैं, किसी के बारे में वैर भाव रखते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं, कहीं प्योर दृष्टि होती है। इन सब के कारण मन भटकता रहता है। इस सब को मिलाकर ही देह अभिमान कहा जाता है। और जब मन बहुत भटकता है तो योग लगता नहीं, ईश्वरीय सुख मिलता नहीं, कार्यों में भी उलझने बढ़ जाती हैं, सफलता भी मिलती नहीं। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी विघ्न और समस्याएं भी आ जाती हैं कि जो मनुष्य को एकाग्रचित नहीं होने देती, उसकी एकाग्रता को नष्ट कर देती है। ऐसा बहुतों के साथ हो जाता है। बीच बीच में बहुत सुंदर एकाग्रता योग की अवस्था, लेकिन अचानक कोई बच्चों की ओर से विघ्न आया और सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन हमें अपनी एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास रखना है। इसके पीछे कम से कम चार स्तंभ याद रखने हैं। बहुत अच्छी प्योरिटी पहली चीज, दूसरा ज्ञान का चिंतन, तीसरा श्रेष्ठ स्मृतियां स्वमान, और चौथी चीज है सारा दिन कुछ न कुछ योग की प्रैक्टिस। अगर ये हम सारा दिन करते रहें तो हमारा चित्त शांत रहेगा और हम एकाग्रचित हो पाएंगे। साथ ही साथ हमें अपने मन को बहुत हल्का, बहुत सरल चित्त भी रखना है। बातें तो जीवन में आती हैं और चली जाती हैं, परंतु हमें किसी भी बात को पकड़ के नहीं रखना है। रोज नई नई बातें आती हैं, अगर हम बातों को पकड़ के रखेंगे तो हमारे पास व्यर्थ की बातों का एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हमारे ब्रेन को निगेटिव एनर्जी जाती रहेगी और हमारी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। तो हम एकाग्रता की बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करें। अपने पांचों स्वरूपों पर एकाग्र होना, बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होना, यह अभ्यास हमारी एकाग्रता को निरंतर बढ़ाता चलेगा। देखिए कैसे अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं कुटी की कुटिया में हूँ, मैं बहुत सूक्ष्म बिंदु हूँ, मुझसे चारों ओर प्रकाश की शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। इसको विजुअलाइज करने लगें, 10 सेकंड से प्रारंभ करें और बढ़ाएं इसको, इतने तक बढ़ाएं कि आत्मा के सिवाय कुछ भी दिखाई ना दे। ऐसे ही धुन लगाएं, सब आत्माएं हैं, सबके मस्तक के मध्य में चमकती हुई मणि को देखें, एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। बाबा के स्वरूप पर चित्त को एकाग्र करें,
परम धाम में केवल बाबा दिखाई दे। परम धाम में मुश्किल लगता हो, अपने सामने देखे ज्ञान सूर्य को, उसे अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फिर हम एकाग्र करें स्वयं को शेष अपने स्वरूपों पर, अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने देखें, कुछ देर देखते ही रहें, अपने पूज्य स्वरूप को देखें, अपने देव स्वरूप को देखें। इन सब की जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और ये हमारे संपूर्ण पुरुषार्थ के लिए बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। ओम शांति।